नमस्कार स्टूडेंट्स आई एम वर्षा गुप्ता टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर नंबर टू द अर्थ तो इसका हमने टॉपिक इससे पहले पढ़ लिया था हम टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ रहे हैं और इसमें हमने इग्नियस रॉक्स पढ़ ली थी और नेक्स्ट टॉपिक इज सेडिमेंट्री रॉक्स रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस आर एक्सपोज टू एजेंट्स ऑफ इरोजन लाइक विंड रनिंग वाटर एंड और ग्लेशियर्स दे आर नोन वर्न डाउन एंड ब्रोकन इन टू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स जो ये जो चेंजेस uh, आते हैं ना जैसे विंड्स हैं या वाटर रनिंग uh, हो रहा है या ग्लेशियर्स के कारण कई सारी जो रॉक्स है, वो ब्रोकन डाउन हो जाती है इन टू स्मॉल पीसेस के अंदर टेम्परेचर चेंजेस ऑल्सो वियर डाउन एंड रॉक्स ब्रेकिंग देम इन टू स्मॉल पीसेस दीज ब्रोकन फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक पार्टिकल्स आर कैरिड बाय विंड रिवर्स एंड ग्लेशियर्स एंड डिपोजिट इन लेक्स सी बेड्स एंड ओशियस फ्लावर्स एक्सेट्रा तो ये क्या होता है जब ये सारी छोटी छोटे पीसीस में डिवाइड हो जाती है तो ये जो ब्रोकन फ्रेगमेंट होते हैं रॉक्स के ये पार्टिकल्स विंडस और रिवर्स और ग्लेशियर्स के द्वारा ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और कहां पर जाकर डिपोजिट हो जाते हैं ये लेक्स के अंदर सी बेड्स के अंदर और ओशियन फ्लावर्स के अंदर ग्रेजुअली लेयर अप ऑन ले अपऑन लेयर इन फाइन सेडिमेंट्स और ये धीरे धीरे क्या होता है एक सेडिमेंट्स के रूप में एक के ऊपर एक लेयर के उस ये जमा होते चले जाते हैं कलेक्टेड ड्यू टू वेट ऑफ ओवरलेइंग लेयर्स

वेन सेटेड एनिमल्स प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रिजर्व एज फॉसल्स जब इसके अंदर हम एनिमल्स के और प्लांट्स के और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसके अंदर आते चले जाते हैं तो इसको हम दे आर प्रिजर्व एज फॉसल्स फॉसल्स में ये कन्वर्ट हो जाए दिस इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडिमेंट्री डॉक्स एंड इट इज वेरी यूजफुल इन द स्टडी ऑफ द पास्ट तो ये जो जैसे जो फॉसिल्स होते हैं उसी के बेसिस पर क्योंकि बड़े बड़े प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं पूरे के पूरे ये उसके नीचे दब जाते हैं ना तो उसमें फॉसिल्स में बन जाते हैं और इससे हम हिस्ट्री अपने जो पास्ट है उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से नॉलेज हमें मिल सकती है लार्ज डिपॉजिट ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड विद इन अर सेडिमेंट्स गेट चेंज इन कोल एंड पेट्रोलियम ओवर लॉन्ग जियोलॉजिकल पीरियड दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स सैंड स्टोर्स मेड ऑफ ग्रेन्स एंड सोन and sand and shell are examples of mechanically formed sedimentary rocks. Limestone may be chemically formed by settling down of uh, calcium carbonate. Uh, it may also be formed for organic deposit from clustering of sh sea shells. Sedimentary rocks contain various valuable minerals like iron, ore, manganese and uh, bauxite. Uh, sandstone and limestone are used as building material. They provide दे प्रोवाइड अस विद फ्यूल फॉसिल फ्यूल एंड रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज ठीक है ना तो आ, इसी आज के वीडियो में केवल हम सेलिमेंट्री रॉक्स ही पढ़ेंगे थैंक यू एंड हैव अइस डे nice